आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती दोस्तों। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती दोस्तों। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती दोस्तों। आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते।